बीजेपी में मीटू प्रकरण का चिन्ह एक बार फिर बाहर आ गया। जब ये प्रकरण सामने आया था तब बीजेपी ने आनंद फारन में आरोपी संगठन महामंत्री संजय कुमार को पद से हटा दिया था। वहीं पीड़ित महिला पुलिस के पास अपना बयान दर्ज करवाने आई ही नहीं थी। अब 2 महीने बीत जाने के बाद महिला एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में है। मीटू प्रकरण को लेकर जहां बीजेपी ने आरोपी संगठन मंत्री संजय कुमार को पद से हटा दिया था, वहीं इस मामले की आज अब कई अन्य बीजेपी मंत्रियों पर भी देखने को मिलेगी। बीजेपी महानगर अध्यक्ष विनय गोयल की कुछ रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें पीड़ित महिला से वार्तालाप करते हुए वो बहुत सी ऐसी बातें कह रहे हैं जिसे वरिष्ठ पद पर बैठे जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। अब जब हर तरफ इसी प्रकरण की चर्चा हो रही है तो वही महानगर अध्यक्ष खुद के बचाव में आ गए हैं। उनका कहना है कि उनका 40 साल का राजनीतिक जीवन है जो कि बेदाग है, उनके द्वारा कभी कुछ भी अनुचित नहीं किया गया। पीड़ित महिला इस प्रकरण के बाद कई बार उनसे मिलने आई और कई घंटों तक बातचीत भी हुई। उनके घर पर भी आराम से बातचीत की गई। उन्होंने एक बेटी की तरह उसे समझाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका स्टिंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये सब षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। मुझे लगता है ये मेरे खिलाफ एक गहरी साजिश है, मेरे 40 साल के बेदाग राजनीतिक जीवन को कलंकित करने का ये प्रयास। वहीं कांग्रेस इस पूरे प्रकरण में एक बार फिर से आक्रामक हो गई। कांग्रेसियों का कहना कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया। बीजेपी शुचिता की बात करती है, वहीं अब सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि बीजेपी के नेता महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति अपने ऊपर लगे हुए आरोपों के बाद इसी तरह की बातें करता है, लेकिन जिस तरह से वीडियो में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है उसके बाद मुझे लगता है कि कहने और सुनने के लिए कुछ बाकी बचता नहीं, क्योंकि उसमें सीधे सीधे महिलाओं के प्रति और दलित वर्ग के प्रति इनकी जो छोटी सोच है, जो निकृष्ट सोच है, और शुचिता का जो ये दम भरते हैं, जीरो टॉलरेंस का ये जो दम भरते हैं, उसकी पूरी पूरी हवा निकालते हुए विनय गोयल जी दिखाई पड़ रहे हैं। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ काजल की रिपोर्ट।